SRN टीवी इंडिया पर अगले 5 मिनट में आप देखेंगे दुनिया भर की सभी बड़ी खबरें। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 1,14,000 के पार जा चुका है। मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में 18,52,000 पहुंच गई है। मौत के आंकड़ों में नंबर एक पर जा चुका है अमेरिका। अमेरिका में अब तक 22,109 लोगों की मौत हो चुकी है और कन्फर्म्ड मरीजों का आंकड़ा है 5,57,590। अमेरिका के बाद सबसे अधिक मौत इटली में हुई है। यहाँ 19,900 लोग मारे जा चुके हैं। तीसरे नंबर पर है स्पेन, जहाँ 17,200 मौत हुई है। फ्रांस में 14,000 की मौत हो चुकी है, तो यूनाइटेड किंगडम में भी मौत का आंकड़ा 10,000 के पार जा चुका है। बाकी देशों में भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब बात भारत की। भारत सरकार के COVID-19 डैशबोर्ड के मुताबिक कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 9,152 हो चुके हैं। भारत में अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है। 856 लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अब कोरोना वायरस से जुड़ी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिका के ब्रुकलिन अस्पताल में कोरोना वायरस की शिकार एक 31 साल की महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन खुशी की बात रही कि बच्चा कोरोना वायरस नेगेटिव है। बच्चे की मां का इलाज चल रहा है। इस अस्पताल में मार्च से अब तक, यानी जब से अमेरिका में कोरोना महामारी फैली है, 200 बच्चों का जन्म हो चुका है। प्रसिद्ध साइंस मैगजीन नेचर के मुताबिक दुनिया भर में COVID-19 वैक्सीन बनाने के लिए 78 कैंडिडेट सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 ने ऑलरेडी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। अमेरिका के वॉशिंगटन के सियाटल में फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी मंगलवार को सुबह 10 बजे एक बार फिर से सभी देशवासियों को संबोधित करेंगे। कल मौजूदा लॉकडाउन की आखिरी तारीख है। उम्मीद है कि आगे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े फैसलों का ऐलान कर सकते हैं। वैसे 7 राज्यों ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन पहले ही बढ़ा दिया है। फिलहाल 2 उम्मीदें की जा रही है। एक तो ये कि नेशन वाइड लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, दूसरा ये कि लॉक इन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए फेज्ड मैनर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पटरी पर लाने की कोशिश हो सकती है। लॉक इन मतलब कंपनियां अपने वर्क फोर्स को फैक्ट्री में ही रहने की व्यवस्था करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। संभावना इसकी भी है कि देश के अलग अलग हिस्सों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा जा सकता है। ग्रीन जोन में एहतियात के साथ सामान्य एक्टिविटीज लोग कर पाएंगे, किसानों को भी राहत मिल सकती है। सोमवार को भारत सरकार के कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालयों में फिर से कामकाज शुरू कर दिए है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्तार अब्बास नकवी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी व अन्य ने कामकाज की शुरुआत कर दी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कहीं एटीएम में कैश की किल्लत न हो जाए, जैसा नोटबंदी के दौरान हुआ था, वैसी स्थिति फिर से न आ जाए, इसके लिए बैंकों ने पर्याप्त कैश एटीएम में डालने की व्यवस्था शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग सख्ती से पालन कराने के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में ऑड इवन का फार्मूला लागू किया गया है, यानी एक आढ़त खुलेगा तो दूसरा बंद रहेगा, तीसरा खुलेगा तो चौथा बंद रहेगा। ये भी तय किया गया है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सिर्फ सब्जियों की बिक्री होगी, तो दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक फलों की बिक्री होगी।